आज हम बनाएंगे बिहार का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, मुरमुरे और घुगनी, जो कि हमने चने और मटर से बनाया है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चना और मटर रात को भिगो के रख दिया था, और ये अच्छी तरह से फूल चुका है और इसे हमने धो के साफ़ कर लिया है। और इसके साथ हमने 250 ग्राम के करीब प्याज, जो लंबे लंबे साइज में काटा है, और साथ में एक टमाटर, तो ये हमारा प्याज कटा हुआ है और ये साथ में एक टमाटर। और इधर हमने एक कुकर को चढ़ा दिया गैस पे, और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरा भी अच्छी तरह से तड़क चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे, और इसे ज़्यादा गुलाबी होने तक नहीं भूनना है, इसको हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। तो प्याज को हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। अभी इसे थोड़ा हम और भूनेंगे, और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, बस इसे ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है। तो अब हम टमाटर डाल देंगे, जो हमने टमाटर काट के रखा उसे डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे और टमाटर को प्याज के साथ थोड़ी देर भुनेंगे। तो इसमें अब हम एक चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स कर लेंगे, और इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे ढककर। और ये देखिए टमाटर हमारा गलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया गरम मसाला पाउडर, और ये हमारा घर का कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर है, जिसे हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा है। तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही जो हमने चना मटर भिगो के रखा था उसे भी डाल देंगे, उसे प्याज के साथ ही भूनना है। इसे हम प्याज के साथ भूनेंगे ताकि हमारा जो चना और मटर है उसमें प्याज और टमाटर मसाले की पूरी खुशबू आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे हम प्याज के साथ ही भूनेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि ये मसाला और चना अच्छी तरह से भून जाएगा। और इसमें हम पानी अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और इसे ढक के भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चेक करते रहेंगे, तो इसे हम चेक कर लेंगे, और ये जो प्याज है ये चने के साथ बिल्कुल गल जाएगा। तो अब इसके ऊपर से हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, मसाले के साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, हमें चने के साथ भूनना है क्योंकि इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो इसे हम चने के साथ ही भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम ढक के भूनेंगे, और ये देखिए थोड़ा गल चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल गल जाएगा और इसमें जितने भी तेल और पानी छोड़ देगा अच्छी तरह से भूनकर। तो इसे हम फिर से ढक के भूनेंगे मिक्स करने के बाद, और इसे फिर से हम ढक देंगे, और इसे हम फिर से चेक कर लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से प्याज जितने भी टमाटर सारे गल चुके हैं, और इसमें तेल और हल्का पानी भी छोड़ दिया है। हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है, तेज फ्लेम में ये जल जाएगा, इसलिए इसे स्लो फ्लेम में भूना है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, डेढ़ या दो गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम ढक्कन लगा देंगे, और इसमें 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे।
मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक हमने इसे पकाया है। और इसे खोल के चेक कर लेंगे और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने लहसुन को ऊपर से मसाले के साथ भूना है जिससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ईजी रेसिपी है। और ये देखिए मटर और चना दोनों बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और इसे हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये हमारा बिहार का फेमस घुघनी और साथ में मुरमुरे, और इसके साथ हम प्याज मसाले वाली, प्याज अचार के मसाले वाली लगाएंगे और साथ में हरी मिर्च, और इसके साथ आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत इजी रेसिपी है और बहुत चटपटी रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, शाम को, सुबह। तो ये आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप बनाइए, ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करें। बहुत चटपटी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और इसे प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे तो और भी टेस्टी लगती है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।